समर्पण शरणागति क्या है? क्या ये कोई पूजा साधना है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, समर्पण तो स्वयं को परमात्मा के प्रति अर्पण करने का एक विशुद्ध भाव मात्र है, जिसमें हमें अपनी संपूर्ण इच्छाएं, कामनाएं, अपने संपूर्ण कर्मों का कर्ता भाव परमात्मा को अर्पण करना होता है। यदि हमारी पूजा साधना में समर्पण भाव का योग हो तो हमारी भक्ति विशुद्ध हो जाती है, जो कि भगवान को अति प्रिय है। भगवान के शरणागति की प्रार्थना निष्पक्ष भाव से क्यों? भगवान के सम्मुख अपने संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव अर्थात अहम अहंकार ही अर्पण करना ही पूर्ण समर्पण है, क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि और ज्ञान विज्ञान से परे हैं। पूर्ण समर्पण ही भगवत प्राप्ति का आधार है। सबका मालिक एक है, सब में एक ही समाया हुआ है। दोस्तों, हम परमात्मा से सदैव कुछ न कुछ मांगते हुए केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। हम वो सब मांगते हैं जो हमें अपनी मायामयी बुद्धि से श्रेष्ठ लगता है, परंतु अपनी समस्त इच्छाएं, कामनाएं और अपने जीवन नैया की पतवार परमात्मा को अर्पण कर देने से भगवान हमें वो सब देने लगते हैं जो हमारे लिए आवश्यक और सर्वश्रेष्ठ होता है। किस जीव के दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलना है, ये जगदीश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आप चाहते हैं मन की स्थायी शांति, प्रेम, आनंद और बच्चों के जीवन को भगवान के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित तथा भटकाव रहित, तो एक बार इस संकल्प को जल अर्पण करते कराते हुए जरूर कीजिएगा और करवाइएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। फिर मिलेंगे किसी प्रेम वाले वीडियो के साथ। सादर प्रणाम। जय श्री हरि।